माननीय श्री अर्जुन मुंडा जी टू रिप्लाई द पोर्शन ऑफ डिस्कशन पर्टेनिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर्स अमेंडमेंट बिल 2024। आदरणीय उपसभापति महोदय, तीन बिल हैं। आज आपने सदन में जम्मू कश्मीर से संबंधित तीन विधेयकों पर संयुक्त रूप से चर्चा के लिए स्वीकृति दी और काफ़ी माननीय सदस्यों ने बहुत गंभीरता से इस चर्चा में भाग लिया। और चूंकि ये तीनों विधेयक जम्मू कश्मीर से संबंधित है और जम्मू कश्मीर के लोकल बॉडीज़, बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, इन सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए तीन विधेयक प्रस्तुत किए गए। और हमारे सहयोगी गृह राज्य मंत्री नित्यानंद जी ने हम सबको उन प्रावधानों के बारे में और सदन में जो विषय उभर करके आए थे उस सब के बारे में और शेड्यूल कास्ट से संबंधित आदरणीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के माननीय मंत्री हमारे वरिष्ठ वीरेंद्र कुमार जी ने बताया। उसी के साथ हमारा यह जनजाति समुदायों का एक विधेयक जो सामूहिक रूप से चर्चा में काफ़ी सदस्यों ने भाग लिया और अपने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए, इसके लिए हम आभारी हैं। ये तीनों विधेयक उपसभापति महोदय उस कश्मीर में रहने वाले लोग, जिस कश्मीर को कहा जाता है, जिसकी पृष्ठभूमि कश्यप ऋषि से जुड़ती है, कश्यप ऋषि के तपोभूमि में रहने वाले लोगों को न्याय मिलने का एक नया स्वर इस विधेयक के माध्यम से नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में इस समय सदन में चर्चा के लिए लाया गया है और उसे जनता के लिए समर्पित हो यह सुनिश्चित किया जा रहा है। जिस तरीके से उपसभापति महोदय अयोध्या में राम जन्मभूमि में रामलला का स्थापना हुआ, उसी तरीके से धारा 370 हटने के बाद वहां के तमाम नागरिकों को न्याय मिले ये तीनों विधेयक के माध्यम से सुनिश्चित हो रहा है। उसी तरीके से थोड़ा तो धीरज रखिए माननीय मंत्री जी, कब तक धीरज रखें, हम 75 साल में पहुंच गए, 60 साल आपका इंतजार किया। माननीय मंत्री जी चेयर को देखकर बोले। माननीय मंत्री जी, उपसभापति महोदय, आज उन सारे समुदायों को संवैधानिक अधिकारों के साथ सही तरीके से आगे बढ़ने का मौका मिले, इस विधेयक का प्रारूप सदन में, और यह सुनिश्चित कर रहा है कि धारा 370 हटने के बाद यह कानून वहां पर लागू हो। इसके पहले ऐसे संसद में जब कानून बनाए जाते थे देश के लिए तो उन्हें इस बात को स्मरण होगा, वैसे लोग जो चर्चा कर रहे हैं, कि यह कानून पूरे देश में लागू होगा जम्मू कश्मीर को छोड़कर। लेकिन अब जब देश में कानून बन रहा है तो यह कानून लागू होगा कश्मीर से कन्याकुमारी तक। इस तरह की व्यवस्था इस देश की बन गई है और इसलिए इस देश की जनता अपने आप को गौरव महसूस करती है कि भारत का वो कश्मीर
भारत का वो अभिन्न हिस्सा जिस तरीके से लोगों ने बना करके रखा था, उस भूमि को माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने धारा 370 और 35A को मुक्त दे करके, मुक्त करते हुए देश भर के लोगों को वो गौरव हासिल। आज दुनिया इस बात को सुनिश्चित और मान रही है कि जिस तरीके से भारत इन सारे विषयों को सुनिश्चित करते हुए समाधान के साथ आगे बढ़ रही है, और इसलिए जो कानून बनाए जा रहे हैं, जो नियम, जो विधेयक बनाए जा रहे हैं, अनुसूचित जनजाति से संबंधित विषय पर मैं निश्चित रूप से यह बात कहूंगा कि आज भारत सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि वहां रहने वाले जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के हमारे गद्दी, बकरवाल, गुजर, ये सारे समुदाय, उसके साथ साथ इसकी पूरी आबादी जुड़ जाएगी, साथ ही साथ उनके जो एजुकेशन में, उनके जो नौकरी में जो रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन को बरकरार रखते हुए इन्हें अतिरिक्त रिजर्वेशन के साथ न्याय दिया जाएगा कि सबको, किसी के रिजर्वेशन को नुकसान ना हो, यह सुनिश्चित करने का काम इस विधेयक के माध्यम से किया जा रहा है। और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कश्मीर का वो हिस्सा, जम्मू कश्मीर का वो इलाका संपूर्ण रूप से विकसित हो, वहां के लोगों को न्याय मिले। ये बात सामने आ चुकी है कि लंबे अरसे तक पॉलिटिकल रिजर्वेशन वहां के लोगों को नहीं मिला, ये विधेयक पास होने के बाद पॉलिटिकल रिजर्वेशन सुनिश्चित होगा। विधायक वहां से जनजाति समाज के चुन करके आएंगे, सीट निर्धारित होगी। इसी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में हमने जो कानून बनाए, वो कानून खासकर जनजातीय मंत्रालय का फॉरेस्ट राइट एक्ट अब जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा, और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट वहां के स्थानीय लोगों को मिलेगा, इसके साथ साथ इंडिविजुअल राइट्स भी मिलेगा। हमारी जितनी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ वहां के रहने वाले तमाम लोगों को मिलेगा। जैसे आर्टिकल 275(1) के तहत जो प्रेसिडेंशियल बजटीय उपबंध है, उस उपबंध के लाभ अब जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को मिलेगा। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल अभी 12 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी जनजातीय विद्यार्थियों के लिए खोले गए एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल के लिए 10,000 नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। ये सारे टीचर्स वहाँ के बच्चों को पढ़ाने के लिए, देश भर में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ाने के लिए शिक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं। इसी तरीके से विभिन्न योजनाओं का लाभ वहाँ के जनता को कैसे मिले, देश भर में जनजाति समाज को सशक्त बनाने का जहाँ कार्य चल रहा है, वहीं स्वाभिमान के साथ ये समाज आगे बढ़े। देश का वो समाज जो आज पीछे के तरफ दिखाई देता है, वो अग्रिम पंक्ति पर आए, इसके लिए लगातार प्रयास और उदाहरण भी आपके सामने है कि आज हम गर्व से कह सकते हैं कि इस देश की महिला राष्ट्रपति जनजातीय समाज से। उसी तरीके से देश को एक अलग तरीके से मनाने का, भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को गौरव दिवस के रूप में मनाने का संकल्प देश ने लिया है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व, तो यह सुनिश्चित करता है कि जहां हम डेवलपमेंट के बारे में राशियों का आवंटन विभिन्न क्षेत्रों में देश भर में रहने वाले जनजातीय समाज के लिए, उनके गाँव के विकास, उनके क्षेत्र के विकास, वहां के आधारभूत संरचना का निर्माण, वहां के विद्यार्थियों का बहुआयामी व्यक्तित्व का निर्माण के साथ साथ उनके सार्वभौमिक जीवन पद्धति, संस्कृति, परंपराओं का अच्छे ढंग से किस तरीके से वो आगे लेकर के चले, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। पिछले दिनों
सदन में चर्चा भी हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने खास तौर से एफआरए का उल्लेख किया कि किस तरीके से एफआरए का यानी फॉरेस्ट राइट एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हम देश भर में उन सभी क्षेत्रों में कर रहे हैं। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के माध्यम से कैसे नामांकन विद्यार्थियों की संख्या, और जैसे आंकड़ों में बताया गया कि आज जनजातीय समाज के बच्चों का नामांकन 65% से अधिक बढ़ा है, यह पिछले 10 वर्षों के अंदर ये परिवर्तन हमारे सामने दिखाई दे रहा है। तो ये जो विधेयक है, ये विधेयक का उद्देश्य है कि जो मंत्र, जो सूत्र, जो भाव इस देश ने इस तरीके से व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री के आह्वान पर कि सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास और सबका सहयोग, सबका प्रयास के साथ देश आगे बढ़ना चाहिए, और उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर आज मुक्त वातावरण में है, और ठीक कहा हमारे के हमारे जितेंद्र जी कश्यप गोत्र से है। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी टोटेमिक जो आबादी देश के हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि गोत्र को कैसे बताया जाए, क्या कहा जाए, तो जब पूजा होती है तो उसका कश्यप गोत्र के माध्यम से ही उसका पूजा कराया जाता है। तो वो कश्यप ऋषि की भूमि कश्मीर में आज जनजाति, अनुसूचित जाति, बैकवर्ड क्लासेस सभी के लिए न्याय मिले, ये सुनिश्चित करने का काम हो रहा है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि ऐसे विधेयक को पक्ष विपक्ष से ऊपर उठ करके सर्वसम्मति से पारित करते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश का कोई हिस्सा, कोई समाज, कोई वर्ग पीछे न रहे, सब मिलकर के सबका साथ, सबका विकास को हम सुनिश्चित करें और 21वीं सदी का भारत विकसित भारत के रूप में हम सब मिलकर के बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करते हुए इस विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव को सदन के समक्ष रखते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माननीय अर्जुन मुंडा जी। अब इन तीनों बिलों पर चर्चा के बाद, माननीय मंत्रियों के जवाब के बाद, विल टेक अप नाउ। आई शैल फर्स्ट पुट द मोशन रिगार्डिंग कंसिडरेशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर लोकल बॉडीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 टू वोट। द क्वेश्चन इज दैट द जम्मू एंड कश्मीर लोकल बॉडीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 एज पास्ड बाई लोकसभा बी टेकन टू कंसिडरेशन। दोज इन फेवर विल प्लीज से आई, दोज अगेंस्ट विल प्लीज से नो। आई थिंक द आईज हैव इट, द आईज हैव इट, द आईज हैव इट, द मोशन इज अडॉप्टेड। We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clauses 2 to 19 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 2 to 19 are adopted. Preamble, the clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The preamble, the clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Sri Nityananda Rai to move that the bill be passed. Mahoday, main prastav karta hun ki vidhyak parit kiya jaye. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. I shall now put the motion regarding consideration of the Constitution Jammu and Kashmir Scheduled Caste Order Amendment Bill 2024 to vote. The question is that the Constitution Jammu and Kashmir Scheduled Caste Order Amendment Bill 2024 as passed by Lok Sabha be taken to consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 2 is adopted.
क्लॉज वन द इनेक्टिंग फॉर्मूला एंड द टाइटल स्टैंड पार्ट ऑफ द बिल दोज इन फेवर विल प्लीज से आई दोज अगेंस्ट विल प्लीज से नो आई थिंक द आईज हैव इट क्लॉज वन द इनेक्टिंग फॉर्मूला एंड द टाइटल आर अडॉप्टेड Dr. Virendra Kumar to move that the bill be passed. Mahoday, main prastav karta hun ki vidhayak parit kiya jaye. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The bill is passed. I shall now put the motion regarding consideration of the Constitution, Jammu and Kashmir Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2024 to vote. The question is that the Constitution Jammu and Kashmir Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2024 as passed by Lok Sabha be taken to consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. Clause 2 is adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Sri Arjun Mundaji to move that the bill be passed. Main prastav karta hun ki vidhayak parit kiya jaye. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The bill is passed. Now we'll take